ये रहा वो पेपर। प्रांजल ने अपनी सारी जायदाद मां के नाम कर दी थी। ये पेपर मुझे मां के आश्रम से मिला था। हमेशा खुश रहो बेटा, तुमने इस घर को इसके बुनियाद लौटा दी है, वो यादें लौटा दी जो हमारी जिंदगी है। पापा, पलक बेटा रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकती बेटा, मत रो। अरे तुमने इस घर की लाज बचाई है, अपनी सूझबूझ से इस घर को टूटने से बचाया है। हम तो किस्मत वाले हैं कि हमें तुम्हारी जैसी बहू मिली है। दादाजी, अब मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। वक्त के साथ साथ रिश्ते भी बदल गए हैं और रास्ते भी। वक्त के साथ रिश्ते नहीं बदलते, और जो वक्त के साथ बदल जाते हैं वो रिश्ते नहीं होते। तुम आज भी इस घर की बहू हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे तुमने इस घर और परिवार को टूटने से बचाया है। मैं चंद्रकांत से बात करता हूं, वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता है, उसे तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं दादाजी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पापा मुझे माफ नहीं करेंगे, वो मुझसे बहुत नाराज है। जब तक इस घर में रही तब तक इस घर की खुशियां बनाए रखने की पूरी कोशिश की मैंने। अब अगर मेरे जाने से ही इस घर की खुशियां सलामत रहती है तो मेरा जाना ही बेहतर होगा। नहीं बेटे, तुम नहीं जाओगी। मैं चंद्रकांत से बात करता हूं, वो तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकता है। चलो मेरे साथ। दादाजी चलो, आओ बेटा। चंद्रकांत, तुम्हें पलक के साथ इस तरह का बर्ताव करने का कोई हक नहीं है। अरे तुम्हें तो बल्कि एहसानमंद होना चाहिए अपनी बहू का, कि उसने तुम्हारे घर की लाज बचाई। बात को समझो, अब तुम उसे माफ कर दो और अपने किए की उससे माफी मांगो। बाबूजी, आपने ये कैसे मान लिया कि मैं इसे माफ कर दूंगा? माफ करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इसकी परछाई तक इस घर में नहीं देखना चाहता। ये लड़की मेरे नजरों से गिर चुकी। हमारे घर में जो भी कुछ हुआ तो उसकी सिर्फ पलक जिम्मेदार नहीं, कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार। अब जो बीत गया सो बीत गया, बीती बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं। बात को समझो बेटे। माफ करना बाबूजी, आज आपकी बात नहीं मानूंगा मैं। बहुत सही कहा आपने, इस घर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं हूं। इस लड़की को बहू बनाकर मैं ले आया था इस घर में, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने। इस लड़की को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। इसने हमारे घर की खुशियां छीनी हैं। ले जाइए आप इसे यहां से। बेटा मेरी बात तो सुनो। नहीं दादाजी, पापा सही कह रहे, गलती की है मैंने, इस घर को अपना समझने की गलती की है मैंने। इस घर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने की गलती की है मैंने। इस घर की खुशियों के लिए सब कुछ सहते रहने की गलती की है मैंने। सबसे बड़ी गलती ये की है मैंने कि मैंने अपना दुख आप लोगों से बांटा। अपनी मजबूरी, अपनी तकलीफें आप लोगों से कही। दादाजी, पापा सही कह रहे, गुनाह किया है मैंने, और मैं माफी के लायक भी नहीं हूं। नहीं हूं मैं। पलक मेरी बात तो सुन। रुक जाओ पलक। मुझे मत रोको दक्ष, मुझे जाने दो। हम दोनों का साथ यहां तक का ही था, अब मेरा तुम्हारे परिवार के साथ कोई वास्ता नहीं है, इसलिए हम दोनों को अपने रास्ते अलग कर देने चाहिए। जिसके साथ उम्र भर चलने की कसम खाई थी उसे बीच राह में छोड़कर जा रही हो? आखिर मेरी गलती क्या है?
मुझे इस तरह से नजरअंदाज क्यों कर रही हो तुम? गलती तुम्हारी नहीं है दक्ष, गलती तो मेरी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती की सजा तुम्हें मिले। बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाए। मेरी आंखों में देखो पलक, क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता? वो इंतजार नजर नहीं आता? बता पलक। पक्ष, कभी कभी प्यार को आगाज नहीं मिलता और कभी कभी इंतजार को अंजाम नहीं मिलता। कोई कोई रिश्ते ऐसे होते जिनका कोई नाम नहीं होता, और ऐसे रिश्ते नाम वाले रिश्तों से कहीं बेहतर होते हैं। पक्ष, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन ये भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारा परिवार टूटे जिसका इल्जाम तुम पर आए। परिवार टूटने से तो अच्छा है कि दिल ही टूट जाए। अब मेरा एक ही मकसद है, मम्मी जी को जेल से बाहर निकालना। पलक, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू, अच्छा नहीं लगता। चलो इन्हें पोछ दो। नाउ गाइस, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, यू सी। पलक, अब तो तुम्हारा रास्ता साफ है, एब्सोल्युटली क्लियर। आई मीन से तुम्हारे रास्ते की मुश्किल, कांटे सब अपने आप मिट गए। आई मीन प्रांजल नहीं रहा ना। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें दक्ष के पास जाने से रोक रही है? कमाना गर्ल, वेक अप, रियलाइज प्रांजल इज नो मोर। तुम्हें डराने वाला, धमकाने वाला, तुम्हें मिटाने वाला खुद मिट गया। पलक, बेटा तू आ गई? हाँ मम्मी जी, मैं आ गई। प्रांजल कहाँ है? वो तेरे साथ नहीं आया? पलक बेटा, प्रांजल बहुत अच्छा लड़का है, माना कि थोड़ा जिद्दी है पर वो दिल से बहुत अच्छा है। तुझे पागलों की तरह प्यार करता है वो। तू है ना, उसे संभाल लेना। हाँ, और हाँ, अगले हफ्ते होली है, मेरे प्रांजल को होली का त्योहार बहुत पसंद है। उस दिन वो मेरे हाथ का बनाया हुआ गाजर का हलवा खाता है, पर मैं नहीं तो क्या हुआ? तू है ना, उसे गाजर का हलवा बना के खिलाना। हाँ, और उसे बताना मत कि मैं यहाँ हूँ, वरना पता नहीं वो क्या कर बैठा। तू कुछ बोलती क्यों नहीं है बेटा? समझ गई, झगड़ा हुआ है ना? क्या बात है, पति पत्नी में ऐसे झगड़े होते रहते हैं, पर तू तो मेरी समझदार बहू है ना, तू प्रांजल को संभाल लेंगे। शायद वो काम की टेंशन में होगा, रात को अच्छे से सो जाएगा ना तो फिर शांत हो जाएगा। मेरे प्रांजल को संभाल लेना। हाँ बेटा, संभाल लेना। पगली, छोटा झगड़ा होगा, इतना दिल से लगा ली। मेरा
प्रांजल बहुत अच्छा है, मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे को, मैं प्रांजल को बहुत प्यार करती हूँ। सब मेरी वजह से हुआ है, मम्मी जी की ऐसी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी और दक्ष की सारी कुर्बानियां बेकार चली गई। जिस परिवार के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उस परिवार की जिंदगी का आज ये हाल है। मैंने ही मारा है प्रांजल को। तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरे बेटे की कातिल हो। प्रांजल कहाँ है? वो तेरे साथ नहीं आया? One more drink, please. Yes. मैंने क्या गुनाह किया? क्या गलती थी मेरी? हर वक्त मुझे ही सजा क्यों मिलती है? वो भी उसकी, जो गुनाह मैंने किया ही नहीं। हमेशा मेरी जिंदगी दांव पर क्यों लगती है? रिश्तों के मामले में मेरी ही बाजी क्यों होती है? क्यों कुर्बानी देनी पड़ती है हर बार बार मुझे? जिससे भी मैं प्यार करता हूं वो मुझसे दूर चला जाता है, पलक भी मुझे दूर चली जाना चाहती है। आप संभालो अपने आप, आप ठीक तो? मैं एकदम ठीक, शायद ठीक भी नहीं हूं। तुम पहचानो मुझे, पहचानो और बताओ मेरा नाम क्या है। शायद आज तो मैं खुद अपने आप को पहचान नहीं पाता, नहीं जानता मेरा नाम क्या है। मैं ये लो और अपनी जिंदगी जियो। अलग कैसी है? बहुत रो रही है बेचारी, सुषमा जी को लेकर परेशान है वो। उसके तो खत्म होने को नाम ही लेते हैं। साहब प्लीज रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे हटो बाबा। प्लीज साहब आप अंदर नहीं हैं साहब। अरे छोड़ो मुझे। प्लीज साहब छोड़ो। साहब इन्हें मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन इन्हें नहीं माने। ठीक है तुम जाओ, छोड़ देना। दक्ष तुम इस वक्त क्या क्या कर रहे हो? अंकल आंटी I'm sorry, मैं ठीक हूँ। पलक कहाँ है? मैं उसे बात करना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है मुझे उसे। नहीं मिल सकते तुम पलक से। लेकिन क्यों आंटी? क्योंकि हमें तुम्हारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना है। Am I clear? आंटी प्लीज मुझे एक बार, सिर्फ एक बार पलक से बात करने दीजिए। पलक दरवाजा खोलो, पलक दरवाजा खोलो, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता। सिर्फ एक बार दरवाजा खोलो पलक। बस करो दक्ष, छोड़ दो पलक को, जीने दो उसे अपनी जिंदगी। अब उसका और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, चले जाओ तुम यहां से। पलक दरवाजा खोलो। दक्ष इनाफ इनाफ, अब तुम घर जाओ। पलक पलक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, प्लीज सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दरवाजा खोलो पलक। ड्राइवर साहब को घर तक छोड़ के आओ। छोड़ो मैं ठीक हूं। पलक पलक मेरी बात सुनो पलक। पलक कहां जा रही तुम? पापा दक्ष कहां है? तुमने वादा किया था दक्ष से नहीं मिलोगी, फिर? पापा क्या करूं, दिल मेरा मानता नहीं। पलक
बेटी क्या रखा है तुमने? चलो ऊपर सो जाओ, चलो रिलैक्स। अच्छा खाना बनाती है कि दूसरी औरत बना ही नहीं सकती। आज के बाद मेरा इस औरत से कोई रिश्ता नहीं। गलती तो मेरी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती की सजा तुम्हें मिले। बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। हेलो पलक, मैं जिया बोल रही हूँ। हाँ जिया बोलो। पलक, दक्ष अभी तक घर नहीं पहुँचा है। इतनी रात हो गई है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। दक्ष घर नहीं आया, लेकिन उसे छोड़ने तो हमारा ड्राइवर गया था। क्या? लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुँचा। तुम पता करो ना वो कहाँ गया है। पलक जिया, तुम चिंता मत करो, मैं दक्ष का पता लगाती हूँ। मुझे जैसे ही दक्ष के बारे में कुछ पता लगता है मैं तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ओके बाय। मैडम मेरी लीजिए चाबी। तुमने दक्ष को कहाँ छोड़ा? मैडम मैं तो उनको घर लेके जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे होटल शेरेटन में छोड़ो, तुम्हें वही छोड़ा आया। ठीक है चलो, मुझे वहां लेकर चलो। पूरा होटल छान मारा लेकिन दक्ष कहीं नहीं है। अब मैं उसे कहां ढूंढूं? इतनी रात गए पापा जी इस होटल में क्या कर रहे हैं? हो सकता है पापा जी भी शायद दक्ष को ढूंढने आए हो। पापा जी के साथ ये औरत कौन है?